हेलो मेरे दोस्त, तो आज बताने वाले हैं आपको स्लो हेयर कटिंग कैसे करते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप और पूरे आसान तरीका से। वीडियो पूरा देखना, पहली बार आए होंगे चैनल पे, प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। चलते हैं काम की ओर और पूरे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, 100% आज गारंटी के साथ कह रहे हैं कि स्लो करना सिखा देंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। अगर स्किप करते हैं तो आपका वो स्टेप छूट सकता है जिस कारण आप स्लोप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। एक नंबर क्लिप लगा कि इस प्रकार से हम पहले कटिंग कर ले रहे हैं, करीब 1 से 1.5 इंच करीब में। और अगर साइड से आप लोग 1 इंच करीब कर रहे हैं या 2 इंच कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि पीछे से आपका उसका दुगुना लेना है, यानी 4 इंच लेना है। पर 1 इंच ले रहे हैं साइड से तो ध्यान रखना है पीछे से 2 से 2.5 इंच कटिंग करेंगे इस प्रकार से, एक नंबर क्लिप से, ठीक है। एक नंबर क्लिप से आपका काम हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आप लोग ध्यान देखना है, ठीक है। लाइनिंग से ऊपर नहीं जाना चाहिए ट्रिमर, ठीक है, गोलाई पूरे होना चाहिए। इसके बाद पानी मार रहे हैं पहले बाल में, उसके बाद लाइनिंग करेंगे। क्योंकि आप लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप देखना और कहीं पर स्किप नहीं करना है, और आप लोग सीखना चाहते हैं तो लाइनिंग में देख रहे हैं एकदम पतला सा लाइनिंग देना है, सीधा लाइनिंग करना है। अगर कहीं पे आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना, ताकि हम उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा सकें और बता सकें। चलिए अब स्लोप कैसे करना है ध्यान से देखना है। प्रकार से कंघी पे लेंगे बाल को, कंघी जो है अपने और स्लोप करते हुए कटिंग करेंगे, यानी ऊपर उठाते हुए अपने और कंघी खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद कटिंग करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, और देख रहे हैं पूरे स्लोप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है स्टेप आपको बताएंगे, चलते हैं पीछे। इस जगह पे जैसे कि गोलाई है वैसे आपको कंघी और कैंची को चलाना है। पीछे देख रहे हैं, पीछे कंघी और कैंची जो है सीधा चल रहा है, यानी स्ट्रेट। इस प्रकार से आप लोग कटिंग करना है, और गोलाई वाला जगह है तो वहाँ पे कंघी को भी आपको गोलाई करना है। चलिए भी आपका कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं दूसरी साइड। उसके बाद क्या करना है, इसमें राउंडिंग करना है। पहले राउंडिंग में ध्यान रखना है पूरे गोलाई होना चाहिए, और जल्दीबाजी आप लोग नहीं करें, वीडियो का स्किप भी मत करना, क्योंकि एक भी स्टिप छोड़ता है आप लोग को तो कटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकता है। काम पूरा देखें, उसके बाद आप लोग कमेंट कर बताएं कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो। स्लोप करना तो आप लोग समझ गए होंगे, और इसके बाद हम बताने वाले हैं ऊपर वाले बाल को एक लेवल में कैसे करते हैं और वन साइड हेयर कटिंग कैसे करते हैं। इसमें हम खास करके ये चीज़ बताने वाले हैं, वन साइड हेयर कटिंग, ठीक है। ये तो स्लोप हो चुका है, अब बताने वाले हैं वन साइड हेयर कटिंग। चलिए दूसरे साइड चलते हैं, और इस साइड क्या करना है आप लोग को, स्लोप करना है हेयर कटिंग, मतलब स्लोप करना है। वो तो आपको खारा था क्योंकि वन साइड था, उस साइड अलग था, और इस साइड जो है कुछ अलग करना है। इसमें लाइनिंग नहीं देना, ध्यान रखना आप लोग को। यहाँ पर स्लोप सेम उसी प्रकार से इस साइड भी करेंगे। फिर चलेंगे गोलाई के पास, तो गोलाई जैसे है वैसे कंघी और कैंची के साथ चलेंगे कटिंग करते हुए गोलाई की तरह, ठीक है। यहाँ आप देख लें तिरछा है, गोलाई है, तो यहाँ पर गोलाई कंघी के साथ चल रहे हैं। ये भी कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं फिर राउंडिंग के साइड। राउंडिंग में देख लेंगे एकदम, जो बेबी हेयर है, जो पतला हेयर है ना, बस उसी को लेना है, ज़्यादा ऊपर से नहीं लेना है, एकदम हल्का से लेना है, ताकि जब इस बाल को हटा दें तो फिर जल्द बाल निकल नहीं है, और ये बाल जल्द निकल आता है तो कटिंग जो है जल्द ही ख़राब हो जाएगा, इसके कारण अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखना है एकदम हल्का से लेना है राउंडिंग में। और इस प्रकार करने के बाद और जो एक्स्ट्रा बाल है उसको आप रिमूव कर देंगे, यानी अस्तूरा से हटा देंगे।
और ध्यान रखना इस जगह पे भी शेप बनेगा जो कि अभी बना रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना है, ये दोनों साइड बनेगा, ठीक है। अब स्लोप कैसे करते हैं, वन साइड कैसे करना है आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा और ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। उससे पहले हम राउंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो राउंडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर वाला वाल को एक लेवल में कैसे करना है और साथ में स्लोप कैसे करना है। तो पहले अच्छे तरीके से भिंगो देंगे बाल को ताकि बाल उड़ के आँख में नहीं पड़े। इसका ध्यान रखना है जब फिंगर पे बाल जब उठाएंगे हम कैसे उठा रहे हैं इस चीज़ को, देखिए जब फिंगर उठाए हैं तो स्ट्रेट बाल उठाए हैं हम, ठीक है। अब जितना भी छोटा करना है आप अपने अनुसार कर सकते हैं बाल को। उसके बाद सेम उसी साइज में आपको पीछे तक कटिंग करना है। अब एक लेवल में कैसे करना है, जो बाल हम काट चुके हैं उसमें साफ लेना, जो बाल नहीं कटिंग किए हैं उसमें साफ लिए हैं, जो बाल हम काट चुके हैं ना उसके लेवल में एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। ये हो गया एक लेवल में, ठीक। दूसरी में स्लोप कैसे करना है, तो यहाँ आप देख लें इस प्रकार से स्लोप करना है, ठीक है। फिंगर जो है नीचे की ओर रखेंगे इस प्रकार से, ये हल्का स्लोप हुआ, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है जब अगले बाल उठाएंगे यहाँ पे जो है हम किस प्रकार से देख रहे हैं पूरे काम यहाँ पर देख लें, ध्यान से देखना है सिर्फ, समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्लोप हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर खास करके देखना क्योंकि वन साइड है ना, वन साइड, इसके लिए यहाँ पे आपको पूरे अच्छे तरीके से बाल को मिला देना है, ठीक है। ये आपको दिखाएंगे पूरे स्लोप कर लेना है फिंगर को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाल मिल भी चुका है और ये जो एक्स्ट्रा बाल है इसको हमको लेजर करना है, ठीक है। लेजर कैसे करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देख लें आप लोग। इसके बाद बाल को हल्का सा छिपी जो है कट कर देंगे, उसके बाद आप फाइनल कटिंग देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ BR VIP सैलून को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके और आप लोग देख सकें।